एटम क्या है? अणु और परमाणु यानी एटम और मॉलिक्यूल के बीच क्या अंतर है? सारा एजुकेशन। अगर किसी पदार्थ को तोड़ा जाए तो हमें उसका सबसे छोटा टुकड़ा अणु यानी कि मॉलिक्यूल मिलता है। उस पदार्थ के बाकी के सभी मॉलिक्यूल भी उस मॉलिक्यूल जैसे ही होंगे। अब अगर इस अणु यानी मॉलिक्यूल को तोड़ा जाए तो हमें परमाणु यानी एटम मिलता है। ब्रह्मांड के सारे पदार्थ जैसे कि हवा, पानी या पत्थर भी छोटे छोटे एटम से बने होते हैं। एटम अपने से काफी छोटे पार्टिकल या पदार्थ कण, प्रोटोन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बने होते हैं। वैसे एटम दिखते कैसे है? तकरीबन इस चित्र जैसे। प्रोटोन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से जुड़ कर एटम का हार्द यानी न्यूक्लियस बनाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटोन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। न्यूट्रॉन तटस्थ यानी न्यूट्रल होते हैं और उनमें पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसा कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटोन के पॉजिटिव चार्ज से आकर्षित होके इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस का चक्कर लगाते रहते हैं। एटम कई प्रकार के होते हैं। एटम का प्रकार उसके प्रोटोन और न्यूट्रॉन की संख्या से तय होता है। ब्रह्मांड में सैकड़ों पदार्थ है, पर ये सभी सिर्फ तीन चीजों से बने हैं। एक प्रोटोन और एक इलेक्ट्रॉन लीजिए और हाइड्रोजन बन जाएगा। प्रोटोन और न्यूट्रॉन लीजिए और हीलियम बन जाएगा। अगर दोनों के छह जोड़ों को लिया तो कार्बन बन जाएगा। हाइड्रोजन का एटम बहुत विशिष्ट होता है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटोन होता है पर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। एटम काफी लंबे समय तक, यूं कहे कि हमेशा के लिए बने रहते हैं। वे केमिकल रिएक्शन कर सकते और बदल सकते हैं। वे अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे या ले सकते हैं, पर उसका प्रोटोन और न्यूट्रॉन से बना न्यूक्लियस तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अलग अलग तरह के एटम एक दूसरे से जुड़कर अलग अलग एलिमेंट यानी के पदार्थ बनाते हैं। ऐसे 92 नेचुरल एलिमेंट और 118 से ज्यादा इंसानों द्वारा बनाए एलिमेंट को हम जानते हैं। हर पदार्थ का हर एटम एक जैसा ही होता है। जैसे कि आपके शरीर के हाइड्रोजन का हर एटम सूरज या किसी तारे के हाइड्रोजन एटम जैसा ही होगा। कोई भी चीज जैसे कि हमारा शरीर, ऐसे करोड़ों खरबों एटम से बने होते हैं। एटम के इस ढांचे को बनाए रखने में सीमेंट का काम करते हैं। ब्रह्मांड के चार बल यानी यूनिवर्सल फोर्स, विक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटी। पर आखिर हमें दिखाई न देने वाले यह एटम कितने छोटे होते हैं, यह जानने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें।